आपका स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल ईशान अहमद में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वीडियो है, वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है वेब इन सी टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों ने बहुत बार उसका फॉर्मूला यूज़ किया, काफ़ी क्लासेस में हम लोगों ने, छोटे से छोटे बड़े क्लासेस में हम लोगों ने इसका यूज़ किया। तो आइए उसको हम लोग प्रोग्राम में किस तरह से रन करा सकते हैं सिस्टम में, तो उस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वो सेम एज इट इज़ रहेगा। और वाइड मैन कर्ली ब्रेसेस, इंटीजर के तौर पर हम लोग आई लेंथ एंड ब्रेथ एंड एरिया। ओके, और सी एल आर एस सी आर प्रिंट एफ इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल स्लैश एन, यानी नेक्स्ट लाइन में जाए, और स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस एल सेमी कॉलन एंड प्रिंट एफ इंटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस बी एंड एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इन टू बी होता है। और फिर हमने फाइनली एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटीजर टाइप होगा तो परसेंट डी हो जाएगा और एरिया। ओके, काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है, आसानी से आप इसे कॉपी में नोट डाउन करके अपने सिस्टम में आसानी से रन करिएगा। ओके, चलिए हम इसे रन करके देखते हैं आउटपुट स्क्रीन पर क्या आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो मान लीजिए अगर हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 लेट करते हैं, तो फिर कह रहा है कि लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे मान लीजिए 6 हम लोगों ने इसे लिया, तो देख सकते हैं फाइनली आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, 30 आ गया। ओके, आई होप आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, प्रोग्राम पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।